यहाँ तो मैं शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचा हूँ। हमारे साथी हैं, मित्र हैं त्रिलोचन सिंह जी, उनके सिस्टर का जो देहांत हुआ है हृदय गति रुकने से, तो यहाँ हम उनको सांत्वना देने के लिए शोक संतप्त परिवार को यहाँ पर पहुंचे हैं। जी सर, संगठन में काफी देरी हो रही है, क्या कारण है? संगठन में काफी देरी हो रही है। संगठन का देखिए, तीर प्रभारी बदल गए एक साल में। जब भी संगठन बनने को होता है तभी प्रभारी बदल जाते हैं, तो प्रभारी बदलने से उसमें संगठन में देरी हुई। अब जो मौजूदा प्रभारी हैं उसने बहुत गंभीरता से इस संगठन को लिया है। उसने पहले खुद भी सभी लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से चर्चा की है, उसके बाद AICC की टीम भेजी है, वो सारी जो ना उनके पास रिपोर्ट आ रही है, वो सब पर मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक हफ्ते में ही। अजय चौटाला ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि कांग्रेस ही आपकी जुत्ती में खीर खा रहे हैं। अजय चौटाला को तकलीफ है, अब इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इनका जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता थी वो खत्म हो चुकी है। ये जहाँ जमुना पार कर रहे थे वो पीछे दोनों यार बन गए। जो BJP के खिलाफ बात कर रहे थे फिर वो BJP की शरण में चले गए। आज BJP के पास इनका पूरा काला चिट्ठा इनके पास है। जितने भी घोटाले इस प्रदेश के अंदर हुए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है, धान घोटाला है, ये खनन घोटाला है, उसमें सब में इन्हीं का हाथ है। यही इनकी सरपरस्ती में सारे चल रहे थे। SIT बनी, किसी की रिपोर्ट नहीं आई। वो फिल्म देखी आज का MLA रामोथा, उस तरह से इनकी जो फाइल रखी हुई है, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये BJP के खिलाफ अब कोई शब्द बोल जाए। जो सुखपाल का खैर है कि जो गिरफ्तारी है उसको कैसे देखते हैं? शिकायत हुई थी प्रभारियों की जो यहाँ पर ऑब्जर्वर आए थे, उस मामले में क्या हुआ? नहीं, जो चीज है वो सारा संज्ञान में है, हाईकमान के संज्ञान में है। जो AICC कोऑर्डिनेटर जो लगे थे, जो कि प्रदेश से बाहर के थे सभी, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दे दी है। मंथन चल रहा है, हमारा संगठन बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे हैं कि एक हफ्ते में आ जाएगा। सुखपाल खैरा की जो गिरफ्तारी हुई उस पर कैसे देखते हैं सर? और आप तो राजनीतिक गिरफ्तारी है, कोई 2015 का कोई मामले को लेकर के एक राजनीतिक दुर्भावना के साथ जो ये हुआ है, और उसका पार्टी और हमारे जो साथ में है सुखपाल खैरा। मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है सर, लगातार बढ़ती जा रही है। मणिपुर में तो सरकार का वो था ना कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, वही चरतार्थियां होती है। मस्तराम मस्ती में, आग लगो बस्ती में, तो यही हालत बना रखी है। नरेंद्र मोदी जी ने आज कितने 3 मई से चल रहा है मामला मणिपुर का, आज तक भी मणिपुर का कहीं ना दौरा किया ना मणिपुर के बारे में चिंतन किया। रोज चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर जो एक हमारे देश का एक अंग है उसको जिस तरह से बिसार दिया है, जिस तरह से उसकी तरफ इग्नोर कर दिया है, ये बहुत ही दुखदाई है। अभी रोज हिंसा हो रही है, रोज वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। किस तरह से मणिपुर की आज स्थिति बन के रख गई है। इनके अपने भी ऑफिस जला दिए गए, लेकिन इनके कान नहीं हुए, इनके बंसी बजाने में लग रहे हैं। धान खरीद को कैसे देखते हैं सर? धान खरीद में हमने कहा था, यहाँ पे पहले आए थे जब जन मिलन समारोह हुआ था करनाल में, जब भी हमने मांग की थी कि 5 सितंबर से धान शुरू हो गया, हमने कहा 15 सितंबर से हर हालत में खरीद शुरू हो जानी चाहिए। इन्होंने 20 सितंबर की कही और वो अभी तक भी धान के, जब धान बिकलेगा तब ये धान खरीदेंगे, जब धान व्यापारियों के उसमें चला जाएगा गोदाम तब ये धान खरीदेंगे। यही धन घोटाला है, यही धान घोटाला है कि ये किसान को आज पोर्टल बंद है सारे। अब वो पोर्टल को देखे किसान अपने, उसको कहाँ लेके जाए? जब पोर्टल में आएगा नंबर, जब जाएंगे धान में, तो धान को कहाँ रखेंगे? जब तक धान तो सारा मंडी में आ लिया, मंडी में आ रहा है और अभी तक तो कोई दाने खरीद नहीं रहे, इससे पता लगता है कि कितने किसान विरोधी हैं और किस तरह से सिर्फ ड्रामा रच रहे हैं कि हम जब खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? जब फसल खत्म हो जाएगी, जब खत्म है। ये किसानों के पता नहीं क्या दुश्मनी है, किसानों से ये वैर भावना रखते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया।
सूरजमुखी यहाँ पर 2,000-2,500 रुपए कम बिकी सूरजमुखी का, बाजरा 600-700 रुपए कम बिक रहा है, धान 200-300 रुपए क्विंटल नीचे बिक रहा है, मजबूर है किसान बेचने में। किसान आंदोलन में 750 लोग अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन फिर भी इनका जो है ना वो ध्यान ये किसानों से बदला लेने के उसमें।